हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की एंट्री। ये क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो जब आप एक ही चेक से बहुत सारे बंदों की पेमेंट करना चाहते हैं या बहुत सारे बंदे मिलकर आपको पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करें, इसको ही बोलते हैं प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कुछ ही महीनों में एक ऑफर लेके आने वाला हूँ जिसकी मदद से कोई भी इंसान यूट्यूब से पैसे कमा सकता है। उसके लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितने जल्दी लोग मेरे से जुड़ेंगे जितना एक कम्युनिटी बड़ा होगा और वैसे ही मैं ये ऑफर एक्टिवेट कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी में जाकर कंपनी का नाम फिल कर देते हैं, स्टेट फिल कर देते हैं और कंपनी को एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हमें एक ऑप्शन चालू करने की ज़रूरत है, इनेबल कॉस्ट सेंटर, ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन, तो इसे चालू कर लें और फिर एक्सेप्ट कर लें। हमारी कंपनी बन चुकी है। अब हमें जाने क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हमें शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें कॉस्ट कैटेगरी पर क्लिक करना है और फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ कॉस्ट कैटेगरी लिखनी है। कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, तो अगर आप अपने मजदूरों को पेमेंट करना चाहें, एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहें तो आपके यहाँ एम्प्लॉय लिखना है, ग्रुप लिखना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एजेंट से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं तो एजेंट लिखना है। ठीक है, तो मैं अभी एम्प्लॉय लिख देता हूँ और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में हमें पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, एम्प्लॉय, और उसके बाद हमें नाम लिखना है उन शख्स के जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो राम पहला शख्स है, ठीक है, राजेश दूसरा शख्स है और रोहित, ठीक है, तीन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब हमें वापस आ जाना है। अब हम जाएंगे बाउचर में, हमने स्टॉक कैटेगरी और कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के अलावा कुछ नहीं बनाया। बाउचर में चलते हैं, पेमेंट वाला बाउचर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और बस एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं बनाया, तो हमें बनाने की दो लेज़र ज़रूरत थी, तो हम यहीं से बना लेते हैं ऑल्ट प्लस सी करके। पहला लेज़र बनेगा हमारा सैलरी पेड, क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। सैलरी पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इनडायरेक्ट में। उसके बाद हमें यहाँ कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल इस ऑप्शन को यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है यहाँ पे तो आपको करना है F12 और ये उसके बाद आपको अप्लाई कॉस्ट सेंटर ऑफ लेजर वाले ऑप्शन को यस करना है, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारा एक लेजर बन चुका है, ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कि कितने पैसे पेमेंट करनी है। तो मैं 580,000 रुपए पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय के नीचे हमें उन शख्स के नाम लिखने जो हमारे एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो पहला कौन है, राम, और राम को हम कितने दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद है राजेश, राजेश को दे रहे हैं हम 2,50,000, ठीक है। उसके बाद बच जाता है राम, तो राम का अमाउंट ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होगा वो लग जाएगा। इसे एंटर कर लीजिए, ये देखिए डुप्लीकेट एंट्री मांग रहा है क्योंकि राम का हमने पहले भी दे दिया, अभी भी राम का ही ले रहे हैं। तो हमें रोहित को देने हैं पैसे, अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है कि पेमेंट किससे करनी है, कैश से करनी है या आपको बैंक अकाउंट से करनी है। तो 5 लाख का अमाउंट हम कैश तो देंगे नहीं, बैंक से ही देंगे, तो यहाँ बैंक का भी लेज़र बनाने की ज़रूरत है और हम यहीं पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो लेज़र क्रिएशन में पहुँच जाएंगे और यहाँ PUN बैंक का एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, और बस यहाँ कोई ऑप्शन हमें चालू करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी एंट्री कम्प्लीटली हो चुकी है। अब आपने बैंक से पेमेंट की है तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया चेक नंबर क्या होगा, क्योंकि कैश तो बैंक में भी आप नहीं दे सकते ना,
तो चेक नंबर आपको फिल करना है ये इंस्टेंट नंबर के यहाँ, चेक नंबर हमारा है 34521, ठीक है। और नरेशन, नरेशन में आप कोई भी लाइन फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पेमेंट दी, पेमेंट ली, कोई भी चीज़ ताकि आपकी मेमोरी के लिए याद हो जाए, ठीक है। इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी कंप्लीट की हो चुकी है। अभी तो हमने पेमेंट किया, अब बात आती है कि अगर हम पैसे लेते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पैसे लेते हैं तो हमें रिसिप्ट में जाना है, और रिसिप्ट के लिए F6, ठीक है। अब ये हमें पूछ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, या फिर एजेंट से पैसा मिल रहा है कमीशन, तो जो भी आपको मिल रहा है वो ले लीजिए। अभी हमें कमीशन मिल रहा है अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो हमने एजेंट वाला तो कोई बनाया नहीं था, तो हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर देते हैं और बस लेजर क्रिएट कर लीजिए, किसका, कमीशन का, कमीशन रिसीव, ओके। कमीशन हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, और यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर आ रहा है, एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यस करना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये पूछता है कितनी कमीशन आपको मिल रही है, तो मेरे को मिल रही है 9 लाख, ठीक है। 9 लाख के बाद ये हमें एंटर करना है, और ये पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या, मतलब किससे कमीशन मिल रही है, मजदूरों से, एम्प्लॉय से, या फिर अपने एजेंट से। तो हमें एजेंट से अपनी कमीशन मिल रही है, उसके लिए हमें क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के लिए ऑल्ट प्लस सी, तो या एजेंट लिखना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। एजेंट लिखने के बाद हमें नाम लिखना है उन शख्स के जिनसे कमीशन मिल रही है, ठीक है। तो उसको भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस सी की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं यादव एक एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने यादव का बनाया तो पर नाम नहीं आया, तो क्या मिस्टेक है वो देख लेते हैं। हम फिर से एक नया बना लेते हैं ऑल्ट प्लस सी करके। अब जैसे ही देखिए आपने बनाया था, हमने एंटर कर दिया, पर हमने ऊपर वाली कैटेगरी चेंज नहीं की, यादव कौन था, एजेंट था, हमने उसको एम्प्लॉय वाली लिस्ट में डाल दिया। तो फिर से हमें ऊपर कैटेगरी में जाना है, स्पेस का बटन दबाना है और एजेंट को ले लेना है। अब यहाँ यादव हम फिल करेंगे तो आ जाएगा, ओके। पर ये कहता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिट है, तो यादव के आगे पीछे कुछ और भी वर्ड्स ऐड कर देते हैं, यादव पीवीटी, ठीक है। यादव पीवीटी में 9 लाख रुपए जा चुके हैं। अगर आपको एक एजेंट से ये कमीशन मिल रही है तो एक एजेंट पे, वरना हमें तो ये 2 एजेंट से मिल रही है, ठीक है। तो दूसरा हमारा है क्या, बंसल, ठीक है। तो ये दोनों एजेंट है जिनसे हमें कमीशन मिल रही है, तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि किससे पेमेंट रिसीव हुई, किस में, कैश में मिली या बैंक अकाउंट में गई, तो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगी 9 लाख, तो उसको एंटर कर लेना है। और चेक नंबर, जिस चेक नंबर से हमें पेमेंट रिसीव हुई, तो उसको एंटर कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इंस्टेंट नंबर पे हमें चेक नंबर फिल करना है, इसको एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसे देखने के लिए हमें बाहर आना होगा, बिल्कुल ही बाहर, गेटवे ऑफ दिल्ली पे। इन्हें देखने के लिए हमें जाना होगा डे बुक में, ठीक है। डे बुक में दोनों ही एंट्री हमारी दिखा रही है प्रॉपरली। एक तो सैलरी पेड हमने 5 लाख की है पहले, उसके बाद हमें कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है। सारा कुछ है, अगर आपको और डिटेल्स में देखना है तो इनके ऊपर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको और डिटेल में दिख जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो ऑफर आने वाला है उसकी मदद से आप भी पैसे कमा सकते हैं। हैव अ गुड लाइफ, कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।